क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत हमारी जो सोच है, हमारी सोच किधर जा रही है, उसको हम सही सोच को स्थापित करना चाहते हैं। एक बार अगर व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाता है और उस पर चलने का वो अभ्यास कर लेता है, संकल्प कर लेता है, तो गंतव्य को जरूर पहुंचता है। हमारा रास्ता, हमारा राजपथ और हमारी जी सोच सही होनी चाहिए। सोच को बदलने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है और प्रतिदिन नए नए एपिसोड के माध्यम से इस सोच को अच्छा करने के लिए, सोच को बदलने का जो है हम सारा उपक्रम करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है शारीरिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं फिजिकल हेल्थ, यानी हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। हम उठेंगे, खेलेंगे, बैठेंगे, हर एक चीज में मन लगेगा। और शरीर अगर अस्वस्थ है, अस्वस्थ का मतलब क्या, बुखार आ गया, शरीर में कमजोरी आ गई और शरीर में कफ जम गया और शरीर के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, तो हम पड़े रहेंगे, हम उठ भी नहीं सकेंगे, काम तो कैसे करेंगे। तो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए पांच तरह के स्वास्थ्य में सबसे पहले फिजिकल हेल्थ को स्थान दिया गया है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के बिना उठेगा ही नहीं। तो बाकी बातें तो बहुत दूसरी है। व्यक्ति को अपने बिस्तर से उठ करके और वो कुछ कार्य करने लग जावे, जभी तो काम होगा। तो आप देखिए कि जो बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए शारीरिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है कि उनके शरीर के अंदर जो है वो मुलायमपन होना चाहिए, रबड़ की तरह होना चाहिए। जो एथलीट्स हैं, जो कि दौड़ लगाने वाले हैं या खेलने, सभी तरह के खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तरह, सब तरह के सिर्फ खेल खेलने वाले लोग, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे पोलो हो, सभी तरह के खेलों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और उन खेलों से शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मिलता है, ये द्विपक्षीय है। जिन जिन चीजों से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनता है, उन उन चीजों से जो है शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए, मॉर्निंग वॉक को हम जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक को जाने से हमारे शरीर का जो हर एक पुर्जा, एक एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो है वो एक्टिविटी एक्टिवेट होती है, उसके अंदर मुलायमपन आता है, उसके अंदर डक्टिलिटी आती है, उसके अंदर स्पंज जैसा एक्शन आता है। और साथ साथ में हमको मॉर्निंग वॉक के समय में शुद्ध प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलती है। जब शरीर का एक एक अवयव जो है मोशन करता है, तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य जो कहा जाता है, इसीलिए बहुत जरूरी है। तो अब शारीरिक स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राप्त कैसे किया जाए। हम बात तो करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है वह योग है। वैसे तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन है, वो भी है, और भी पानी है, और भी बहुत सी चीजें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखाता है। प्राण ऊर्जा है, देखिए प्राण ऊर्जा के बिना शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता। प्राण ऊर्जा किससे बनती है? वो भोजन, पानी और शुद्ध वायु और शुद्ध अग्नि, सूर्य की अग्नि, जठरा अग्नि वगैरह, विटामिन डी। विटामिन डी से जो है हमको जो है ये प्राण, हमारे को विटालिटी मिलती है,
हमको प्राण ऊर्जा मिलती है, और प्राण ऊर्जा जो है एक बैटरी के अंदर जो चार्जिंग कैसे होता है, और बैटरी 100% चार्ज की हुई होती है, धीरे धीरे उसको उपयोग करते हैं, वो जीरो हो जाता है तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। उसी तरीके से हमारी प्राण ऊर्जा को मान लीजिए हमने एकत्रित किया 24 आवर्स के लिए, तो हमारा मन अच्छा काम करेगा, हम बोलने में एक्टिवेट करेंगे, शरीर भागेगा दौड़ेगा, और जब वो प्राण ऊर्जा जीरो पे आ गई तो शरीर शिथिल होकर के पड़ जाएगा। जो लोग बीमार होते हैं वो इसीलिए होते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा का वो निर्माण नहीं करते, उस प्राण ऊर्जा का वो जो है वो कहना चाहिए उसकी अर्निंग नहीं करते, प्राण ऊर्जा को जेनरेट नहीं करते, इवोल्यूट नहीं करते। इसलिए प्राण ऊर्जा को जेनरेट करना ही शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है, और ये प्राण शारीरिक स्वास्थ्य को जो है प्राण ऊर्जा ही देती है। इस तरीके से हम देखिए, हम बात कर रहे थे कि शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कैसे किया जाए, तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आसन सबसे बड़ा, जो योग का जो हम अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग के अंदर पांचों तरह के स्वास्थ्य प्राप्त करने का एक पूरा कैप्सूल है, पूरा एक सिस्टम है मुक्ति की ओर जाने का। जो अष्टांग योग है हमारे व्यवहार जगत को अच्छा बनाता है, ये पांचों तरह के स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं। पांचों तरह के स्वास्थ्य होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, तीसरा स्वास्थ्य होता है भावनात्मक स्वास्थ्य इमोशनल हेल्थ, और चौथा होता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा होता है हमारा सोशल हेल्थ। तो एक एक की हम व्याख्या कर रहे हैं। आज शारीरिक स्वास्थ्य हमने ये विषय लिया है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हमारा पूरा शरीर है वो मसल्स के द्वारा चलता है, ये जो शरीर है वो हड्डियों का एक ढांचा है, और ये हड्डियों के ढांचे को चलाने के लिए मसल्स चाहिए, और उसके अंदर तो वैसे तो धमनी है, कोशिकाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और ब्लड सर्कुलेशन है। मैं उन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर के संचालन की बात कर रहा हूँ। शरीर के संचालन के लिए सभी तरह के जितने हमारा उत्सर्जन तंत्र है, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र है, और ये सारी चीज़ें हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के वो सब सुचारू रूप से चलने चाहिए। लेकिन जो मसल्स को जो है वो डक्टिलिटी देने के लिए, मुलायम करने के लिए आसन जो है बहुत ही सुंदर चीज़, और व्यक्ति को अपने अपने आयु के अनुसार, अपनी अपनी महिला हैं गर्भवती है, उनको अलग तरह का आसन करना चाहिए। जो आसन के जानकार है उनसे कौन तरह का आसन किस उम्र के साथ में किस अवस्था में करना चाहिए वो जानकारी करके करना चाहिए। आसन जो है 72 तरह के बताए गए हैं, और बर्ड्स जिस पोस्चर में बैठते हैं, हमारे पक्षी उस पोस्चर में बैठने को आसन कहा जाता है। जैसे मयूरासन, मयूर किस आसन में बैठ सकता है, धनुरासन, धनुर जो हमारा धनुष होता है उसके जैसा आसन होता है, और दूसरा मत्स्यासन मछली के जैसा आसन होता है, और सुखासन, और हमारा जो है पद्मासन, ताड़ासन ताड़ की तरह ताड़ासन, और इस तरीके से सारे बहुत से जो है आसन है। हर एक आसन का अपना अपना उपयोग है, और हर आसन से जो है शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, उसकी कंडीशंस अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग हार्ट वाले होते हैं तो हार्ट वालों को जो है शीर्षासन है वगैरह है, ये ऐसे आसन नहीं करने चाहिए। कुछ जो है गर्भवती महिलाएं होती है उनको गर्भ के ऊपर जितना कोई भी भार पड़े वैसे आसन, लाइट आसन करना चाहिए, उनको श्वास परीक्षा है वगैरह ऐसा करना चाहिए, और नॉर्मल सुखासन या नॉर्मल ताड़ासन जो भी है वो प्रेस्क्राइब्ड है वो करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये हमारा आसन जो है ऐसा उपयोगी तत्व है। आसन से क्या होता है, आसन से हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना वो फास्ट हो जाता है, हमारे मसल्स जो है मुलायम हो जाते हैं, और मसल्स जब मुलायम होते हैं तो कहीं पे भी ब्लड का अवरोध नहीं होता है, वहाँ पे रोक नहीं होती है, और ये ब्लड का अवरोध होता है यही ब्लड प्रेशर बनाता है। हमारी जो वेन्स होती है, जो हमारे जो मसल्स के अंदर वेन्स होती है, तो वेन्स क्या है चिपक जाती है, तो चिपक जाने से
वो ब्लड का जो है सर्कुलेशन वहाँ अवरुद्ध हो जाता है और उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पानी का एक पाइप है कहीं से पिचक जाता है तो पानी का जो अवरोध हो जाता है, अवरोध होने से पानी का जो आगे हमें एंड पे मिलता है प्रेशर तो बढ़ जाता है लेकिन क्वांटिटी घट जाती है। तो हमारे जो हृदय से निकलने वाला जो ब्लड है, हृदय से सफाई करने वाला ब्लड है, वो धमनियों से जाता है और धमनियों से जो है वो जाके शिराओं में जाता है और एक एक कोशिका को वो ब्लड मिलता है। और जिस कोशिका को ब्लड नहीं मिलता है वह कोशिका निष्क्रिय हो जाती है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे शरीर को लकवा हो जाता है, तो लकवा होने का कारण यह है उस पर्टिकुलर आधे अंग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया। हर कोशिका को ब्लड चाहिए तभी वो जिंदा है, तभी उसका शारीरिक स्वास्थ्य है। उसकी प्राप्ति के लिए ब्लड को हर जो है वो कोशिका तक पहुंचना जरूरी है। और भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर प्रतिदिन ब्लड जो है धमनियों में, कोशिकाओं के अंदर, वेंस के अंदर, जो है शिराओं के अंदर वो घूमता रहता है और वो घूमते घूमते अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध होने के बाद में जो है वह हमारा जो फिल्ट्रेशन के लिए जो है हमारे फेफड़ों में आता है। फेफड़े उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं, वो सांस लेने और छोड़ने के, और छोड़ते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की निकलती है और लेते हैं, वो ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, ब्लड शुद्ध होता है और शुद्ध ब्लड है हार्ट में जाता है और हार्ट के अंदर पंपिंग होती है। हार्ट जो है शुद्ध ब्लड की पंपिंग करता है, मात्र एक बड़ा पंप है जो जीवन भर चलता है, कितने लाखों करोड़ों बार वो पूरे जीवन के अंदर जितना हमारा आयुष्य होता है वो धड़कता रहता है। हर बार जो पंपिंग करता है तब वो धड़कता है और पंपिंग करके ये सारा जो है ब्लड सर्कुलेशन पूरे हमारे शरीर में हो जाता है और फिर गंदा होकर के पुनः आ जाता है। और साथ साथ के अंदर जब वो यूरिन के रूप में टॉक्सिन्स होते हैं हमारा ब्लड के होते होते हैं, तो यूरिन के रूप में वो किडनी के द्वारा टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, मूत्र के रूप में यूरिन और बहुत से उसमें टॉक्सिन्स निकलते हैं। और दो छलनी हमारी जो है किडनी में लगी रहती है, एक तो जो ब्लड के साथ में जो यूरिन है ये वो निकल जाता है और दूसरी जो होती है वो छलनी जो है आगे पास ऑन कर देती है ब्लड को जो है वो हमारे वो लंग्स के अंदर सफाई के लिए। तो पूरा एक सिस्टम है और हमारा जो भीतर का जो शरीर के जो सिस्टम है वो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, क्योंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सबसे अमूल्य प्राणी है वो मनुष्य है। मनुष्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा प्राणी इस सृष्टि में नहीं, इसीलिए भगवान ने इस मनुष्य को पट्टा दिया है कि तुम ही मुक्ति को जा सकते हो। जिसको भी मुक्ति जाना होगा ये अवधारिक शरीर धारण करना पड़ेगा। एक ही विकल्प है, इसके बिना वो मुक्ति को नहीं जा सकता, जो कि हमारा परम जो है वो साध्य है, हमारा परम अर्थ है वो मुक्ति है। देखिए जो देवता गण होते हैं, जो नरक गति, तिरेंच गति, मनुष्य गति और देह गति, नरक गति में पापों को भुगतने के लिए जो पापी लोग होते हैं, जो हिंसा क्रूर होते हैं, वो नरक गति में जाते हैं। तिरेंच गति के अंदर छल कपट, झूठ, धोखा, दड़ी, ये बदमाशी करने वाले तिरेंच गति में जाते हैं। मनुष्य गति में सरल स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं, सेवाभावी लोग होते हैं, जो ये मनुष्य गति में आते हैं। और देव गति के अंदर विशेष मनुष्य जब अच्छी साधना करता है, श्रावक के रूप में, साधु के रूप में, यानी जब वो जो है जीवात्मा से अंतर आत्मा बनता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है और परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग जाता है, उस प्रोसेस में ऐसे सारे जो परमात्मा को अवस्थित और अपना साधन मान, अपना साध्य मान लेते हैं, वो लोग देवगति को जाते हैं। देवगति बड़े रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, उनके पास में इतनी रिद्धि सिद्धियाँ होती है कि वो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस बात की जो है प्रार्थना करते हैं, इस बात की इच्छा रखते हैं कि हम मनुष्य जन्म के अंदर जाएं और मनुष्य जन्म में साधना करके मुक्ति को प्राप्त हो। बहुत बड़े बड़े देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं, जो मुक्ति में जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्होंने देवगति का अर्जन कर लिया होता है, जो आयुष्य बांध लेते हैं, तब वो देवगति में पूर्ण करके मनुष्य भव में आकर के मुक्ति में। तो मैं ये कहना चाह रहा था
कि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अल्टीमेट स्टेज मुक्ति को जा सकता है। तो हमें उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मसल्स जो है नरम है, मुलायम है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, हमारे बुरे भाव नहीं आएंगे। जितने भी बुरे भाव आते हैं वो शरीर की अकड़न से आते हैं, और ये ढांचा हमारा जो हड्डियाँ हैं जो कि धीरे धीरे पोली पड़ती रहती है, कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए जो लोग बुजुर्ग 60-70-80 साल के होते हैं, इतनी हड्डियाँ पोली होती है कि थोड़ा सा गिरते ही उनके जो है क्रैक आ जाता है। जबकि युवा होता है उसकी स्ट्रांग होती है हड्डी, बच्चा होता है उसकी सबसे ज़्यादा हड्डी स्ट्रांग होती है। तो धीरे धीरे उम्र के साथ में हड्डियाँ का कैल्शियम कम हो जाता है और वो पोली पड़ जाती है, पोली पड़ने से वो जो है कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारे हड्डियों को जो संचालित करने के लिए मसल्स होते हैं, मसल्स जो है हड्डियों के ढांचे को चलाते हैं, तब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सोते हैं और हमारे जीवन का हर काम करते हैं। चाहे हम नेता है, चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर है या कोई गृहिणी है, तो हर एक काम जो है शारीरिक स्वास्थ्य से होता है। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए मैंने आसन पे बात की, और थोड़ी भोजन की बात करें तो भोजन का सीधा संबंध है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो हमें ऋत, मित और हित तीन तरह का भोजन लेना चाहिए। हितकर भोजन कौन सा होता है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, यानी जितनी कैलोरी हम जो है बर्न कर सकते हैं वैसा भोजन होना चाहिए। अगर हम मजदूर हैं जो ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन चाहिए। कोई मानसिक रूप से कार्य करने वाला प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनको कि शारीरिक स्वास्थ्य कम है, मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा है, उनके कैलोरीज कम बर्न होती है, तो उनको कम कैलोरीज का भोजन लेना चाहिए, ज़्यादा गरिष्ठ नहीं लेना चाहिए। तो हितकर भोजन कौन सा होता है, जिसके अंदर कि 10% जो है कार्बोहाइड्रेट हो और 20% प्रोटीन हो और 10% जो है हमारी फैट हो और 6% जो है उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए, 60% पानी होनी चाहिए। तो इन सब का हम योग करें तो 100 आता है, यानी ये न्यूट्रिशियस फूड कहलाता है। और इन फूड को प्राप्त करने के लिए जो हमारे जो फूड को डिज़ाइन करने वाले लोग हैं, उन्होंने बकायदा हर एक की जो है कैलोरीज निकाली है, तो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। हरी सब्जियां लेना चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, सलाद लेना चाहिए भोजन के साथ साथ में, ताकि वो बैलेंस होकर के हितकर भोजन बने। अब मित्र भोजन मात्रा से करना चाहिए। हमारा जो ये शरीर है, ये पेट है जिसमें हम भोजन करते हैं, इसके 4 भाग करो। 2 भाग के अंदर हमारा ठोस भोजन डाला जाए, 1 भाग पानी के लिए रिजर्व रखा जाए और 1 भाग गैस के लिए रखा जाए। कई लोग जो है बहुत जो है वो खाने के स्वादु होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इस भोजन को 2 की जगह 3 भाग में डाल देते हैं, तो गैस को कोई जगह नहीं मिलती है, उनको आफरा चढ़ता है, वो छटपटाते रहते हैं, उनमें कामुकता आती है, उनमें नकारात्मक भाव आते हैं, उसमें अब्रह्मचर्य की भावना आती है और वो सोए रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसा मित मतलब मात्रा से भोजन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन आता है तो व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है। गैस की सबसे बड़ी इफेक्ट होती है, वो गैस की जगह जो है वो नहीं मिलती, वो निकल नहीं पाती, इसलिए उल्टी होती है, आफरा चढ़ता है, जी मचलता है। उसकी जगह को हमें रिजर्व रखना चाहिए, सबसे पहले रिजर्व रखना चाहिए। तो ये हमारा जो भोजन से हो गया। तो 4 तरह से हमने बताया कि विटालिटी 4 तरह से आती। मैंने आसन की बात करी, दूसरा भोजन की बात करी, पानी की बात करता हूँ, क्योंकि विटालिटी बनाने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को रखने के लिए विटालिटी जरूरी है, और वही विटालिटी ही शारीरिक स्वास्थ्य को रखती है, और शारीरिक स्वास्थ्य से विटालिटी बनती है, दोनों एक दूसरे से पूरक है। तो पानी शुद्ध पीना चाहिए, हमें अशुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए, बिना छना हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा कड़वा पानी नहीं पीना चाहिए, और
पानी आजकल तो आरओ सिस्टम हो गया, आरओ में बकायदा डिजाइन होती है कि आरओ जो है हमारे स्वास्थ्य वर्धक चीजें हैं, कई चीजों को निकालता नहीं, जैसे कि हमारे एलिमेंट्स है जैसे कि फेरस है, आयरन है, कैल्शियम है और सोडियम है, ये चीजें हमारे शरीर को पुष्ट करती है। तो वो सारे तत्व जो है पानी में मिलते हैं, घुले हुए होते हैं, तो निकलने भी नहीं चाहिए। मतलब TDS जो है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है, वो मात्रा के अंदर रहना चाहिए और ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा रहने से जो है हमारा जो शरीर बिगड़ जाता है, लूज मोशन हो जाती है और पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है, आंतें खराब हो जाती है और पूरा सिस्टम, क्योंकि पानी एक घुलनशील पदार्थ है, पानी सबको घोलता है और पानी जो है ये भोजन के आधा घंटा घंटा पर बाद में लिया ना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आमाशय में जो आंतें हैं वो रस निकालती है और वो रस जो है वो धमनियों की तरह, जैसे कि जो है एक लोहार की धमनी किस तरीके से हवा जो है भरती है और वो जो है लोहे को पीट करके लोहे को पतला करती है, तो उसी धमनियां हैं हमारे भोजन को पचाती, उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, रस निकलते, उसमें में पानी नहीं लेना चाहिए, वो रस है उसी को पचाता है, टुकड़े टुकड़े करता है और उसको जो है वो एक मौसमी के जूस की तरह सारा बना करके छोटी आंत को देता है। छोटी आंत के साथ में कैपिलरीज लगी रहती है, वो कैपिलरीज जो है उस मौसमी जैसे फाइन जो है वो लिक्विड को जो है यकृत में देती है। यकृत 500 तरह के काम करता है, शरीर में सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो यकृत है, 500 तरह काम करते वो ब्लड बनाता। तो भाई और बहनों, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन जरूरी है, भोजन है, पानी है और तीसरा जो है हमारी प्राणवायु, हमारे शरीर को ये ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारा जो ब्लड है गंदा हो गया है और लंग्स में आ गया है, तो लंग्स को हमारी सीधी ये प्राणवायु जाती है, ऑक्सीजन मिलती है। O2 जाने से हमारे जो वो उसके अंदर दूषित चीज़ें होती है जो ब्लड के अंदर, वो शुद्ध होकर के और वो किडनी के टॉक्सिक एलिमेंट्स किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में निकल जाते हैं और ऑक्सीजन मिल करके जो है वह ब्लड को शुद्ध करती है और शुद्ध ब्लड हार्ट में जाता है। तो प्राणवायु बहुत ही ज़रूरी है हमारे ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए। और चौथा जो तत्व है वह है अग्नि, जठरा अग्नि। हमारी जो जठरा अग्नि है यही भोजन को पचाती है। जिन लोगों की जठराग्नि और जो मजदूर लोग होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उनकी जठराग्नि बहुत पावरफुल होती है। जठराग्नि पूरी सूर्य से जुड़ी होती है, ये अग्नि तत्व से जुड़ी हुई रहती है और सूर्य की जो किरणें हैं सुहाता जो है, हम अगर धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी मिलता है। आजकल उसका सब्स्टिट्यूट देखिए, जो शरीर को आवश्यक कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और हमारे जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब इन चीज़ों की पूर्ति करने वाली, ये अलग से सप्लीमेंट किए जाते हैं, इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, टेबलेट में दिए जाते हैं, क्यों हम प्रकृति को भूल गए, हम प्रकृति के करीब नहीं लेते हैं। ये सब चीज़ें प्रकृति के अंदर अवेलेबल है और हम लेते नहीं हैं, क्योंकि अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, हम AC में रहते हैं और हम खाली कार में AC, घर में AC, ऑफिस में AC, AC के बाहर नहीं निकलते, धूप का सेवन नहीं करते और जो अच्छी शुद्ध वायु मिल रही है हमारे कॉस्मोस में वो हम लेते नहीं, प्रकृति, हम अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो और आत्मा बने रहिए। और जब आपका श्रोता और जो है वो वक्ता का तादाद में होगा, तारतम्य होगा, तब चीज़ का अर्थ निकलेगा और आपकी जो कुछ भी जिज्ञासा है, हमारे पीछे जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड स्क्रीन के ऊपर हमारा ईमेल, हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप दिया हुआ है, उस पर आप अपनी जिज्ञासाएँ भेज सकते हैं, आपको बराबर समाधान मिलता रहेगा। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।